इसमें क्वेश्चन में, अब देखो इसमें मैं ये कहूंगा कि इन ट्रायंगल सी डी ई इन ट्राइंगल सी डी ई टैन अल्फा इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी ई, टैन अल्फा इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी ई। अच्छा, और सी डी क्या है? एक्स, तो tan अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन डीई। अब ये जो डीई है इसको मैं ए बी भी तो बोल सकता हूँ, ए बी बोल दो इसको, तो यहां से ए बी हो गया एक्स अपॉन tan अल्फा। ठीक है, मुझे लगता है इतना तो समझ में आ गया होगा। ये करने के बाद में ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। फिर है इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल देखते हैं एफ डी ई। ये नंबरिंग अलग हो सकती है, मैंने कल क्या लिया था वो आप देख लेना। इन ट्राइंगल एफ डी ई टैन बीटा इज इक्वल टू एफ डी अपॉन ई डी। टैन बीटा इज इक्वल टू जो एफ डी है, ये एफ और डी यहां तक कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एच प्लस एच, एक्स प्लस एच प्लस एच अपॉन ई डी की जगह मैं लिख सकता हूं ए बी, है ना। ये ई डी हो या ए बी हो दोनों इक्वल है, ए बी को इधर ले आओ तो ए बी हो जाएगा एक्स प्लस टू एच अपॉन टेन थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 भी एबी के इक्वल, इक्वेशन नंबर 2 भी एबी के इक्वल, तो इक्वेट 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकंड दोनों को इक्वेट कर दीजिए। जब दोनों को इक्वेट करेंगे ये भी एबी के इक्वल ये भी एबी के इक्वल, तो एक्स प्लस टू एच अपॉन टेन थीटा एक्स प्लस टू एच अपॉन टेन बीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन टेन अल्फा। इसको स्प्लिट करो, एक्स अपॉन टेन बीटा प्लस टू एच अपॉन टेन बीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन टेन अल्फा। ठीक है, और इसको इस तरफ ले जाओ, ये टू एच अपॉन टेन बीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन टेन अल्फा माइनस एक्स अपॉन टेन बीटा। तो टू एच अपॉन टेन बीटा, इसमें आपने न्यूमरेटर में से एक्स निकाल लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन टेन अल्फा माइनस 1 अपॉन टेन बीटा। एलसीएम ले लो, टू एच टेन बीटा इज इक्वल टू एक्स, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा टेन अल्फा टेन बीटा। टेन अल्फा में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा टर्म आ जाए टेन बीटा इंटू 1 टेन बीटा माइनस टेन बीटा में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा टर्म आ जाए टेन अल्फा इंटू 1 टेन अल्फा। अब डिनोमिनेटर में यहाँ टेन बीटा है और यहाँ भी टेन बीटा है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब मैं एक काम करूंगा, जो मेरा एज्यूम करी हुई टर्म है वो क्या है, एक्स है, तो मैं एक्स निकालने की कोशिश करता हूं। चलो जब हमारे पास, मैं इसमें एक्स निकालता हूं तो देखिएगा ये इसको पूरे को इधर देखो, चलो एक्स
मल्टीप्लीकेशन में x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, tan बीटा माइनस tan अल्फा और अपॉन में क्या है tan अल्फा इज इक्वल टू क्या था बेटा 2h। इसको उधर ले जाओ ताकि मैं x की वैल्यू निकाल सकूं, ठीक है, या फिर टू एच अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो बस एक मिनट में समझ जाएंगे। ये जो x अपॉन टैन अल्फा है From equation one, x upon tan alpha, किसकी वैल्यू हो गई ab, AB. तो ab is equal to 2h upon tan beta minus tan alpha। इसको बोल दीजिए बेटा equation number 3। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? Yes sir. Yes sir. बाकी बच्चे बता दीजिए, रोहन क्लियर है? Yes sir. ठीक है, और दिवस है आज ऑनलाइन? दिवस, अरे दिवस का क्वेश्चन है, दिवस ही नहीं है। चलिए कोई नहीं, चलो एबी की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर ईसी निकालना है, तो ईसी के साथ साथ अब आप देखो ये 2h upon tan beta minus tan alpha, 2h upon tan beta minus tan alpha ये मुझे यहाँ पर मिल गया और मुझे चाहिए sec alpha, ठीक है। तो sec alpha का मतलब क्या है भाई? sec अल्फा क्या होगा? sec अल्फा होगा जी बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, समझ रहे हैं भाई? cos अल्फा क्या होता है? cos क्या होता है? cos थीटा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos का रेसिप्रोकल ही तो होता है sec, तो sec अल्फा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहां पर मैं इसमें क्या करूंगा, देखिए देखिए, अब यहां पर मेरे पास है इन ट्राइंगल सी डी ई, इन ट्राइंगल सी डी ई sec अल्फा निकालो, sec अल्फा is equal to hypotenuse upon base, यानी कि EC upon ED, EC upon ED, मुझे तो EC निकालना है, sec alpha को यही रहने दो और EC को यही रहने दो, और जो ED है, ED का मतलब AB, तो EC क्या हो जाएगा? AB sec alpha, AB इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, AB sec alpha। अब AB की वैल्यू डालो 2h upon tan beta minus tan alpha, 2h upon tan beta minus tan alpha into sec alpha। बताइए समझ में आ गया सभी को? यस सर। लक्ष्य है, कव्या, कम्या, हर्षित, दीपांशी, भव्य, अर्पिता, जी सर, यस सर, यस सर, चलिए तो ठीक है, यस सर, ठीक है। आपका जो ह्यूमन आई वाला टेस्ट है वो मैं लूंगा क्रिसमस वाले दिन 25 तारीख को, ठीक है? अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं जरा ट्रिग्नोमेट्री। मुझे बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस कराने की जरूरत है? यस सर। या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर आओ सीधा? सर आइडेंटिटीज, सर आइडेंटिटीज बता दो भाई किसी बच्चे को, अगर लगता हो तो रेशियोस कराना है। अक्षर, कराना है रेशियोस? यस सर। चलिए करा देता हूँ, वैसे आसान ही है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है।
ये बता रहा हूँ, शुरुआत से लेकर चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली चेंज हुआ है ना पैटर्न 2020 में, पैटर्न चेंज हुआ है मार्क्स का, तो उसमें थोड़ा सा उनके शॉर्टेज देखने को मिला। ये मैंने लिया था 2019-20, मतलब अभी जो 2020 में इस साल जो बच्चों ने बोर्ड के पेपर दिए ना उनके लिए रिवीजन पेपर लिया था। तो इसमें थोड़ा सा ना जो आपका फॉर्मेट है एग्जाम का, तो फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज्यादा अगर इसमें वेटेज है देखिए, सबसे ज्यादा वेटेज तो आपका इसमें ज्योमेट्री की है। ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजें इन्होंने इंक्लूड कर दी हैं, सर्कल्स ट्राइंगल्स ये इंक्लूड कर दिया ज्योमेट्री के अंदर, उसकी सबसे ज्यादा वेटेज है। सेकंड नंबर पर इसकी वेटेज है ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर का आता है पेपर में, ठीक है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन है वो है आपका इसमें स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, वो आता है 11 नंबर का, ठीक। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री को ही फोकस करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से करेंगे स्टार्ट। तो आरडी जी बच्चों के पास है, उनको बता देता हूं ये चैप्टर नंबर है, इसमें चैप्टर नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। सर हम एग्जांपल से सब करेंगे, देखता हूँ। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले इनको देखना है, ये है हमारा चैप्टर नंबर 10 है आरडी में, एक मिनट के लिए मैं स्क्रीन जो है ना वीडियो बंद कर रहा हूँ, एक मिनट के लिए आप सभी लोगों को मेरी आवाज सुनाई देती रहेगी। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली एप्लीकेबल टू राइट ट्राइंगल्स, मतलब जिस ट्राइंगल में 90 डिग्री का कम से कम एक एंगल हो वो उसी में एप्लीकेबल होगा। नोट करिएगा, ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल ओनली टू राइट ट्राइंगल्स, इन अ
right triangle in a right triangle ABC in a right triangle ABC AC is called hypotenuse H AB is called perpendicular P and this is called base बस ये याद रखिएगा कि ये जो perpendicular और base हैं ये perpendicular और base जो हैं ये लगातार change होते रहते हैं वो किस पर डिपेंड करता है वो एंगल पर डिपेंड करता है कि मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ देखिएगा AC is hypotenuse. तो hypotenuse is fixed. कि 90 degree के सामने वाली side जो होगी वो hypotenuse कहलाएगी. अब देखिएगा. अगर मान लीजिए if angle C is equal to theta. ये जो angle C है, अगर ये angle C theta है ना? मान लीजिए अगर ये थीटा है तो जैसे मान लीजिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं या मान लो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं जहां हमें कुछ भी अननोन निकालना होता है तो अननोन को हम जनरली क्या मानते हैं एक्स मानते हैं उसी तरीके से जब हम किसी एंगल को निकालने की बात करते हैं तो एक एंगल को हम थीटा मान लेते हैं थीटा एक ग्रीक अल्फाबेट है थीटा तो अब अगर मान लीजिए हमें यहां पर निकालना है साइन थीटा तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसको याद रखने का तरीका बच्चे अलग अलग तरीके से कर देते हैं कोई कहता है कि क्या था पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा हिंदुस्तान हरा भरा yes. तो कैसे भी करके आप इसको याद कर लो ठीक है तो ये हो गया अब इसमें आप ये देखिए कि जैसे ये तो साइन थीटा हो गया अब मान लो हमसे ये बोलते हैं कि ये थीटा ये है तो जो भी थीटा होता है ना जो भी थीटा होता है उसके ठीक सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं 90 के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूस है और जो तीसरी साइड बचती है दैट इज योर बेस अगर मान लो यहीं पर थीटा ये वाला एंगल ये एंगल सी को थीटा ना बोलते हैं अगर मान लो इसको ये जो एंगल ए है इस एंगल ए को मान लीजिए थीटा बोल देते तो थीटा के सामने ये वाली साइड लाई कर दी तो नाउ दिस विल बी योर परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस But hypotenuse is going to be fixed. इसमें कोई चेंज नहीं आएगा अब शुरुआती जो क्वेश्चंस हैं वो इसके आसान हैं तो आप देखिएगा पेज 10.4 पर मैं एग्जांपल बन कराता हूँ और इसके मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आप करिएगा इसके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं है कोई मतलब ये शुरुआत है इसकी तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते बस एक आइडिया के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले इसमें पेज 10.4 में एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं एग्जांपल 1 इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए इफ एबी इज इक्वल टू 12 एसी इज इक्वल टू 5 बीसी इज इक्वल टू 30 In a triangle ABC, right angled at A, if AB is equal to 12, if AB is equal to 12 centimeter, या centimeter भी लिखा होगा ऐसे 12 भी लिखा If AB is equal to 12, AC is equal to 5 and BC is equal to 30 and BC
This is 4 to 13. Find all the 6 trigonometric ratios of angle B. Easy question. Find all the 6 trigonometric ratios of angle B. Find all the 6 trigonometric ratios of angle B. देखिएगा, मैंने आपको 3 trigonometric ratio बताए हैं, sin theta, cos theta और tan theta. लेकिन sin के reciprocal को, यानी कि 1 upon sin theta को हम बोल देते हैं cosec theta. cos के reciprocal को, यानी कि 1 upon cos theta को हम बोल देते हैं sec theta. और tan के reciprocal, यानी कि 1 upon tan theta को हम बोलते हैं cot theta. देखो, एक triangle बना लो यहाँ पर. इनो ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, यानी कि राइट एंगल में 90 डिग्री यहां पर बन रहा है, वो है ए बीएसी. फाइंड ऑल द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी. एंगल बी मेरे लिए थीटा हो गया, मुझे एंगल बी के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं. तो सबसे पहले साइन बी, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये B है, तो इसके सामने वाली साइड बेस हो गई और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, यानी कि सॉरी इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज. तो क्या हो गया, AC अपॉन BC. AC कितना 5, BC कितना 30, 5 अपॉन 30. फिर cos B, cos B होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो B के ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस, यानी कि AB और हाइपोटेन्यूज ऑफ एक्स BC, AB अपॉन BC. AB कितना दे रखा है 12 और BC है 13, तो 12 अपॉन 13. उसके बाद देखेंगे tan B परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan B इस B के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी कि AC अपॉन AB. फाइव अपॉन 12. साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक त्रिकोण. तो ये B अपॉन H, तो ये हो गया H अपॉन P, यानी कि BC अपॉन AC. तो ये कितना हो गया 13 अपॉन 5, उसका रेसिप्रोकल उल्टा. cos का रेसिप्रोकल होता है बेटा sec b, ये हो गया h upon b. h upon b मतलब bc upon ab. तो 12 upon 13 का रेसिप्रोकल ये हो गया 13 upon 12. फिर आ गया cot b, तो cot b क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर upon बेस है, तो रेसिप्रोकल कर दिया बेस upon परपेंडिकुलर. ab upon ac यानी कि 12 upon 5. बताइए जी, इतना सबको क्लियर है? ये तो आसान ही था, इसमें तो कुछ नहीं था. यस सर. चलिए जी, अब अगला देखते हैं. अब इसके बाद ना देखिए, इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आपको दो वैल्यूज दे रखी है, तीसरी आप निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से. ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप निकाल सकते हैं. इसमें कुछ जो स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं वो मैं करा रहा हूँ. इसमें शुरुआत के जितने भी क्वेश्चन है वो बेहद आसान है. मैं सीधा आता हूँ एग्जाम्पल नंबर 14 पर, है ना, पेज नंबर 10.10 एग्जाम्पल 14 तक के हर बच्चा कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. किसी को प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना. Example number 14. 14 है, if tan A is equal to 1 and tan B is equal to root 3. Tan A is equal to 1 and tan B. If tan A is equal to 1
and tan b is equal to root 3, evaluate cos a cos b minus sin a sin b. Cos a cos b minus sin a sin b. ये कर रहा है तो हमें एक चीज और देखनी है इसमें कि जैसे tan मुझे दे रखा है तो tan की वैल्यू दे रखी है 1 ये 1 tan is equal to 1 तो 1 को क्या लिखोगे 1 अपॉन 1 और हम ये जानते हैं टाइम क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो रेशियो हो गया परपेंडिकुलर और बेस का बाद होगा तो लेट पी इज इक्वल टू 1x एंड बी इज इक्वल टू 1x याद रखना डायरेक्टली पी को 1 और बी को 1 मत ले लेना पी को लेना 1x और बी को लेना 1x मेरी बात यहां तक सभी को क्लियर है इतना इतना बता दीजिए बेटा सबको yes, क्लियर है जी सर हर्ष दीपांशी बताइए आस्था भव्या इतना क्लियर है यस सर यस सर यस सर ठीक है इसके बाद देखिएगा जब टी इतना हो गया बी इतना हो गया तो भाई पाइथागोरस थ्योरम भाई पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो x स्क्वायर p क्या है 1x का स्क्वायर b क्या है ये भी 1x 1x का स्क्वायर तो 1x मतलब x स्क्वायर 1x मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर तो h कितना हो गया √2x ठीक है ये h की वैल्यू होगी अब हम क्या कहेंगे कि जब मेरे पास tan a आ गया तो मुझे यहाँ पर sin a की भी जरूरत है और cos a की भी जरूरत है तो हम ये कहेंगे sin a is equal to p upon h देखिए p कितना है 1x और h कितना है √2x 1x upon √2x ये कैंसिल आउट हो गया ये हो गया बेटा 1 upon √2 sin a की वैल्यू उसी तरीके से cos a की वैल्यू निकालिए cos a क्या होगा cos a होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो बेस कितना है b 1x ठीक है और हाइपोटेन्यूज कितना है h √2x √2x x से x कैंसिल आउट हो गया देखिए cos a की वैल्यू भी 1 अपॉन √2 आ गई साइन हो गया कॉस हो गया उसके बाद देखिएगा जिस तरह से मैंने यहां से एच की वैल्यू निकाली है ऐसे ही पैन भी से भी निकाल सकता हूं मैं एच की वैल्यू बताइए सर नहीं है सर हां सर क्लियर नहीं है सर क्या क्लियर नहीं है सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही कुछ प्रॉब्लम होगी मुझे सर क्लियर है टक टक के आ रही है सर क्लियर है ठीक है जी कर लेंगे फिर इस क्वेश्चन को यस सर ठीक है अब मैं आपको इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है पढ़ी की फर्स्ट एक्सरसाइज है मैं फर्स्ट एक्सरसाइज की आपको फोटो भेजता हूँ आप लोग देखिएगा उसमें सारे करने की जरूरत नहीं है आप उसमें जो आपको एनसीईआरटी और सीबीएसई वाला नजर आए मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन कर लेना उसमें सारे मत करना ठीक है बस इतना ही कर लीजिए फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का वो टेबल टेबल से मेन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट होगा वहां से कल करते हैं ठीक है
एक्सक्यूज मी सर जी बेटा बताइए सर आप कल के होमवर्क की बार पिक सेंड कर देना ग्रुप में प्लीज कल वाला जो होमवर्क था सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस सर ठीक है वो तो मैं अभी भेज देता हूं ओके सर थैंक यू सर ठीक है सर नमस्ते थैंक यू सर थैंक यू सर बाय सर ओके जी ओके नमस्ते सर